आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज शाम में मालेगांव शहर कुसुम्बा हाईवे चोए गांव के पास में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक 26 साल नौजवान जो रहने वाला मालेगांव शहर किला झोपड़पट्टी नई चाल का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद अली रियाज अली उर्फ अली भाई था, जो मालेगांव शहर में काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत रखता था, जिसके हर इलाके हर शहर भर में जिसका दोस्ताना रवैया था और इसके कई हज़ारों फ्रेंड थे। लेकिन यह हादसा होने के बाद जब इसकी डेड बॉडी मालेगांव सामान्य रोगनालय सिविल हॉस्पिटल पर लाई गई तो हज़ारों हमदर्दों दोस्तों और फ्रेंडों का वहाँ पर एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मालेगांव सामान्य रोगनालय यानी कि सिविल हॉस्पिटल में रखी गई है। अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है और ना ये तस्दीक हो पाई है कि यह हादसा था या फिर कुछ और, ये एक सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए अभी तक प्रोसीजर रुका हुआ है। ना डेड बॉडी अभी तक अहले खाना के सुपुर्द की गई है, न तदफीन कब होंगी इस बात को अमल में लाया गया है। हम यहां से जब ये खबर शाय कर रहे हैं, जब तक ये खबर हम अपलोड कर रहे हैं, अभी तक डेड बॉडी मोहम्मद अली रियाज अली उर्फ अली भाई, इनकी डेड बॉडी अभी तक सामान्य रोगनालय में पोस्टमार्टम के लिए रखी गई है जब ये न्यूज़ अपलोड हो रही है। सबसे पहले मालेगांव शहर अब तक न्यूज़ चैनल ये खबर आप तक मालेगांव शहर की आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम इसके ऊपर अपडेट दिखाते रहेंगे, इसमें क्या नया मोड़ आता है, क्या नई बात निकल कर सामने आती है, हम इस पर कवरेज भी देंगे। अभी इस पर क्या होता है ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हादसा हुआ था मालेगांव शहर कुसुम्बा हाईवे, जो कुसुम्बा से पहले चोए गांव करके एक देहात है, एक गांव है, वहां पर यह हादसा हुआ था। और हादसे पर ही मौके वारदात पर इस 26 साल नौजवान की मौके वारदात पर मौत हो गई थी। डेड बॉडी सामान्य रोगनालय में अभी रखी हुई है, पोस्टमार्टम होना बाकी है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ में।